सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करती हो, भले ही सरकार ने महिलाओं को इंसाफ और उनका हक दिलाने के लिए कानून बनाए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार और प्रताड़ना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने घर से निकालने और दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। दरअसल पट्टी कोतवाली इलाके के बुशहर गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ दिन तक उसके ससुरालियों का स्वभाव ठीक रहा, लेकिन करीब डेढ़ साल बाद उसके पति ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि करीब एक वर्ष पूर्व उससे 1,00,000 रुपए मायके से लाने का दबाव पति ने बनाया था। जब वो पैसे नहीं दे सकी तो उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दी और दूसरी शादी कर ली। हमारी शादी 3 साल हुआ है और मेरा बेटा 6 महीना का था पेट में, तभी मेरा पति मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। तो मैं अपने मायके चली गई, फिर मेरे को लाने के लिए गया, फिर बहुत झगड़ा हुआ, मारपीट का नौबत आ गया, झगड़ा किया, फिर मैं नहीं आई वहाँ से, नहीं आई। और यहाँ इनकी माँ लॉकडाउन में ख़त्म हो गया, मैं लॉकडाउन में आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पाई, कार्रवाई चल रही थी ये कोरोना वायरस में, मैं आ नहीं पाई सर। और जो है फिर इसकी माँ ख़त्म हो गई, माँ ख़त्म होने के बाद ये दूसरी शादी कर लिए बीबी को, दूसरी शादी कर ली, हाँ दूसरी शादी उसने कर ली है। पैसे मांगे मेरी मम्मी से, कितना? 1,00,000 रुपए मांगा सर, जो दहेज के लिए, हाँ जो रोड बेच बन रहा है ना। मैंने कहा कि अब लोग हम कहाँ रहेंगे, मेरा घर फोन लाइन में आ गया, तो बोला तेरी मम्मी इतने इतना पैसा पाएगी, मुझे भी दे इसमें से, वरना मेरे घर मत रह, अपने मायके भाग जा यहाँ से। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी करीब 3 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के साथ भुशहर गांव की रहने वाले गुलाब चंद्र के साथ हुई। उसका आरोप है कि पति द्वारा उसे घर से निकाल देने के बाद दूसरी शादी भी रचा ली गई, जबकि वो जिंदा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।